अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब। विजिट कीजिए अभी रोजगारकीखोज.com, विजिट करें अभी www.रोजगारकीखोज.com। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑफलाइन फॉरम पर। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी के लिए एयर इंडिया की तरफ से एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के द्वारा यहां पर एयरपोर्ट की तरफ से एक और भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इस भर्ती के लिए यहाँ पर ऑफलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट की गई, यानी कि आपको ऑफलाइन फॉर्म के द्वारा अप्लाई करना होगा। यदि आपने 10वीं पास कर लिए तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे इस भर्ती में। सबसे अच्छी बात क्या रहने वाली है, यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करा जाएगा, यह आपके इंटरव्यू के बेस पर यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती रहने वाली है। फ्रेंड्स, ये आपकी ऑल इंडिया भर्ती रहने वाली, यानी कि आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, यदि आप इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, या आप गूगल पर भी जाकर सर्च कर सकते हो रोजगार की खोज। फ्रेंड्स, आप वहां से इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आवेदन कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी डिटेल में क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें और आगे किसी ऑफलाइन फॉर्म के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो आप ऑफलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फ्यूचर में भी आप सभी को इसी प्रकार की हेल्पफुल जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो आप सभी के भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के द्वारा, एयर इंडिया की तरफ से आप सभी के भर्ती का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंडिंग एड्रेस रहने वाला है, जहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आप सभी के लिए यहाँ पर चेन्नई एयरपोर्ट की तरफ से, आपका चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से आप सभी के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करा जाएगा, डायरेक्ट आपके यहाँ पर भर्ती रहने वाली है। अब चलिए फ्रेंड्स, आपकी वैकेंसी की डिटेल के बारे में जानकारी जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर चेन्नई स्टेशन की तरफ से, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो आपके यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट रहने वाली है वो आपकी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के पदों पर आप सभी के लिए यहाँ पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फ्रेंड्स, बात करेंगे आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर, तो टोटल आपके यहाँ पर 144 पदों पर है इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। यह आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सेंडिंग एड्रेस रहने वाला है, यह आपके यहाँ पर इंटरव्यू की डेट रहने वाली है। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड, जो आपके यहाँ पर दूसरी पोस्ट आपके यहाँ पर रहने वाली है, यूटिलिटी एजेंट कैंप यहाँ पर रैंप ड्राइवर के पदों पर है, आप सभी के लिए 15 पदों पर, यहाँ पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंडिंग एड्रेस रहने वाला है, जहाँ पर आपका इंटरव्यू तथा एप्लीकेशन फॉर्म को आप सभी को सेंड करना होगा। इसके बाद आप सभी के लिए एनडी मेन की तरफ से 150 पदों पर, हाँ फ्रेंड्स, आप सभी ने सही सुना, आप सभी के लिए 150 पदों पर यहाँ पर बड़ी आप सभी के लिए ऑफलाइन भर्ती आई हुई है। यह आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंडिंग एड्रेस है तथा आपका इंटरव्यू का जो आपका प्लेस रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपकी बहुत बड़ी ऑफलाइन भर्ती रहने वाली है, आपको इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर करना होगा। यदि बात करेंगे आपके यहाँ पर, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज की लिमिट को लेकर है, तो फ्रेंड जो आपके पर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की आपके यहाँ पर पोस्ट रहने वाली, यदि आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जो आपकी सैलरी रहने वाली 21,300 रुपये आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। जनरल कैंडिडेट की जो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली 28 साल रहने वाली है, ओबीसी की 31 साल रहने वाली है, एवं एससीएसटी कैंडिडेट यहाँ पर 33 साल तक आवेदन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, बात करेंगे आपके मिनिमम एज की लिमिट को लेकर, तो आपके पास मिनिमम एज की लिमिट 18 साल रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड, जो आपके पास यूटिलिटी एजेंट कैंप ड्राइवर के पदों पर है, आप सभी के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। यदि आपने 10वीं पास कर ली प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। आपके 19,350 रुपये आप सभी की यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। जनरल कैंडिडेट यहाँ पर 28 साल तक आवेदन कर पाएंगे, ओबीसी कैंडिडेट 31 साल तक आवेदन कर पाएंगे, एवं एससीएसटी कैंडिडेट
यहाँ पर 33 साल तक आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड जो आपके हैंडीमैन की यहाँ पर पोस्ट एंड वाली, यदि आपने 10वीं पास कर लिया है तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। प्लस आपको यहाँ पर हिंदी की लोकल लैंग्वेज की जो आपकी हिंदी है उसकी आपको नॉलेज है तभी आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। बात करेंगे आपकी सैलरी को लेकर तो आप सभी की 17,520 रुपये आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली। बात करेंगे आपकी आयु सीमा को लेकर तो जनरल कैंडिडेट यहाँ पर 28 साल तक आवेदन कर पाएंगे, ओबीसी कैंडिडेट 31 साल तक आवेदन कर पाएंगे एवं एससी एसटी कैंडिडेट यहाँ पर 33 साल तक आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी हुई है कि आपको इंटरव्यू कहाँ पर और कैसे आप सभी को देने जाना होगा, आपको यहाँ पर कितने दिन का आपके यहाँ पर छुट्टी रहेगी, आपकी एक ईयर में आपको कितने दिन की यहाँ पर छुट्टी मिलने वाली है। देखिए फ्रेंड्स जो आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपके 1 नवंबर 2022 से यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। यदि बात करेंगे आपके लास्ट डेट के बारे में तो लास्ट डेट के बारे में भी आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी आपकी हाइट आपकी कितनी भी हो तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे आपकी एप्लीकेशन फी को लेकर, यदि आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपके पर 500 रुपये एप्लीकेशन फी रहने वाली। एससी एसटी कैंडिडेट यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट सभी यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली, आप सभी यहाँ पर निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। जो आपको एप्लीकेशन फी का पेमेंट करना होगा वो आप सभी को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू यानी आपको यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर के थ्रू अपनी एप्लीकेशन फी का पेमेंट करना होगा। आप सभी को एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड चेन्नई के लिए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है उसके फेवर में आप सभी को सेंड करना होगा। देखिए फ्रेंड्स बात करने वाले हैं आपके डॉक्यूमेंट को लेकर कि आप सभी को यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहने वाली, बट उससे पहले जब आपको बताना चाहूंगा जब आप अपने वहाँ पर इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको यहाँ पर 3 पासपोर्ट साइज जो आपके 3 मंथ से आपके पुराने नहीं रहने चाहिए, आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो वहाँ पर लेकर जाने होंगे। आपके इंटरव्यू की डेट यहाँ पर आपकी पोस्ट वाइज आपके अलग अलग रखी गई है वो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट रोजगार की खोज जाकर आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। फ्रेंड्स आपको वहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी गई है कि किस पोस्ट की आपकी क्या वहाँ पर इंटरव्यू की आपकी डेट रहने वाली है। चलिए फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट को लेकर बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपके जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है उसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद सेंड करना होगा। सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट की फोटो, इसके अलावा यदि आपने 12वीं पास कर लिया तो 12वीं की मार्कशीट की फोटो, आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर 10th की आपकी जो क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी है वो आपकी कंपलसरी, यदि आप ग्रेजुएशन पास कर लिए तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी रख देंगे। इसके अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पर फोटो कॉपी रखनी होगी, यदि आपके पास है तो आप रख देंगे वरना कोई कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप एस सी एस टी कैंडिडेट हो या ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप सभी को यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यानी आपको अपने जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी रखनी होगी। इसके अलावा यदि आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो आप उसकी भी फोटो कॉपी रख देंगे, यदि आपके पास नहीं है तो आपका कोई कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा आपको एक लिफाफा रखना है जिस पर आपको 10 रुपये का डाक टिकट यहाँ पर लगा देना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो वहाँ पर अलग से आपके जो एनवलप है उसमें आप सभी को रख देना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए एक बात बताई गई कि आपको ऑनर सर्टिफिकेट नॉट बी सबमिटेड है, यानी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं सेंड करना होगा। आपको सभी डॉक्यूमेंट की यहाँ पर जो ओरिजिनल कॉपी है आपको नहीं सेंड करनी होगी। आप यदि सेंड करते हो तो आपको कंपनी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्न एनी ओरिजिनल कॉपीज, यदि आप सेंड कर देते हो तो आपका रिटर्न वहाँ पर वापस नहीं किया जाएगा। आपको इसलिए अपनी वहाँ पर फोटो कॉपी सेंड करनी होगी, कोई भी आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर सेंड नहीं करना होगा। ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जानकारी दी हुई है जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। यदि आपका कोई डाउट बचा हुआ है तो आप या तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हो या आपको मैंने बता दिया आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो रोजगार की खोज। फ्रेंड्स आपको वहीं पर इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ और अदर डिटेल में आपको जानकारी मिलने वाली है। आई होप आप समझ चुके होंगे ना, अभी आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो, अभी तक भी आपने ऑफलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे किसी ऑफलाइन भर्ती के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो ऑफलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।